चमन में कब्र पैदा तो बताना ये चाहता हूं कि डुमरिया के लोगों अगर आप डुमरिया की सरजमीन पर आपके बच्चे आज आज घूम रहे हैं आपके बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं आपको लगता है कि ये भविष्य में क्या करेगा अक्सर सारे मिलते हैं बेटियों को जब बेटियां साइकिल लेकर जब स्कूल की तरफ जाती है तो उनसे सवाल होता है क्या पढ़ लिखोगी क्या तुम डीएम बनोगी क्या तुम एसपी बनोगी अक्सर मैं अक्सर उन माओं को कहना चाहता हूँ अक्सर मैं चाचू को कहना चाहता हूँ अक्सर मैं उन चाचू को कहना चाहता हूँ अक्सर मैं उन चाचा को कहना चाहता हूँ जो दुकान में जाकर दुकान पर बैठ कर अपने नौजवान को हमदर्द नहीं है बल्कि उनके बारे में मजाक उड़ाते हैं कमेंट करते हैं क्या कर लेगा ऊपर कर क्या डीएम बनेगा क्या एसपी बनेगा मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं तो उनके संविधान लागू हुआ और आज जो है हम सभी जमा हुए क्यों क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ऐसा गरीब था ऐसा नीच जाति था कि हिंदू धर्म में उसको नीच जाति के लोग समझा जाता था उनको मंदिरों में जाने का अलाव नहीं था उनको स्कूलों में पढ़ने का अलाव नहीं था उनको पानी पीने के लिए चापाकल अगर छूट दिया जाए तो उसको चापाकल उस चापाकल में उच्च जाति के लोग नहीं जाते थे उस समाज कहते हैं वो बेकार है कुछ कर नहीं सकता ये जो लोग ये कहते हैं वो बेकार है कुछ कर नहीं सकता कितने इंसान है चुप पर नहीं सकता क्योंकि अक्सर है जब दो आदमी बैठते हैं तो गुफ्तगू करते हैं जब दो महिलाएं बैठते हैं तो कहते हैं अल्लाह माफ की खबर हो गए चावन बोल ले गए अल्लाह और बड़ी स्टाइल मारो स्कूल से जा ये होता है तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं वो बेकार है कुछ कर नहीं सकता कितने इंसान है चुप रह नहीं सकता कि जब सभी मखलूक का राजी कहे अल्लाह जब सभी मखलूक का राजी कहे अल्लाह तो ऐसे लोगों के बोलने से कुछ हो सकता ऐसे बोलना